अगस्त 2023 आने वाला है, यानी कि आधा साल जा चुका है और अभी हम BTC के इस प्राइस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि जहां से थोड़ी सी भी अगर ऊपर को मूवमेंट जाती है तो बहुत लंबी रैली देखने को मिलेगी। और यहां पे ऑलरेडी सिर्फ बिटकॉइन पे ही नहीं बल्कि हमें ऑल्टकॉइन्स में भी बहुत अच्छे मूव्स देखने को मिल रहे हैं। यही कारण है कि अगस्त महीने में हमें बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे सारे ऑल्टकॉइन्स से, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मैंने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके यहाँ पे 5 ऑल्टकॉइन्स इकट्ठे किए हैं। पांचों के पांचों बहुत बड़े इवेंट्स के वजह से बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाले हैं और इन सभी को अगर आपने पोर्टफोलियो में पहले नहीं रखा है तो एक बार चेक करके ज़रूर रख लेना, क्योंकि इनकी वैल्यू भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ कॉइन्स आपको ऐसे ही बताऊंगा जो कि $1 के आसपास ही होंगे या फिर उससे कम होंगे, लेकिन आपका पोर्टफोलियो सिर्फ यहाँ पे डाइवर्सिफाई नहीं होगा बल्कि इसी के साथ आपको प्रॉफिट भी देने वाला है हर एक कॉइन। तो अगस्त 2023 हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। वीडियो पूरा देखते रहना, अभी से लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन हमेशा पहुंचते रहें। और हाँ, अगर आपने हमारा टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलने वाली हैं। तो सबसे पहला कॉइन मेरा मोस्ट फेवरेट कॉइन जो है तो वो है BNB। तो BNB मुझे ऐसा कॉइन लगता है कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आज भी अगर आप बाय करते हो तब भी आपको हज़ारों डॉलर का प्रॉफिट लॉन्ग रन में देने वाला है। लेकिन अगर हम लॉन्ग रन को नहीं देखते हैं, अगर हम सिर्फ शॉर्ट रन ही देखते हैं या फिर एक महीना दो महीने की बात ही करते हैं, तब भी BNB हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। इसका रीज़न आपको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि इसको बाइनेंस को लाइसेंस मिला है, दुबई का UAE का लाइसेंस मिला है, जिस कारण अभी ये बहुत ही खुल के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में काम करने वाले हैं। वहाँ पे जो यूज़र्स हैं वो बढ़ेंगे, रिटेल और इसी के साथ साथ जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो भी बढ़ने वाले हैं। उनकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आने वाली हैं बाइनेंस के ऊपर और उनकी इन्वेस्टमेंट्स BNB में भी आने वाली हैं। तो BNB हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है। इसका जो मेन रीज़न है वो मैंने आपको सब कुछ पिछले वीडियो में बता दिया, वो जाकर चेक कर लेना। तो ये था हमारा पहला कॉइन जो अभी आप $240 के आसपास बाय कर सकते हैं और यहाँ से आप 20-50% का प्रॉफिट बहुत ही जल्द एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकंड कॉइन की बात करें तो सेकंड कॉइन जो है ये भी वन ऑफ द फेवरेट कॉइन है, लाइट कॉइन। तो इसकी बहुत लंबे समय से हम एक रैली एक्सपेक्ट कर रहे थे। वैसे तो इसने ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रॉफिट दे दिया ये पिछले महीने के अंदर ही, लेकिन अभी भी अगर आपने बाय नहीं किया है तो आप लाइट कॉइन लेके अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखें, क्योंकि अभी तक इसने $100 को क्रॉस नहीं किया, $90 के आसपास चल रहे। लाइट कॉइन्स को इकट्ठा कीजिए, अपने पास रखें, क्योंकि लाइट कॉइन का बहुत ही बड़ा इवेंट आने वाला है जो है लाइट कॉइन ब्लॉक रिवॉर्ड हैविंग इवेंट। यानी कि जो ब्लॉक का रिवॉर्ड होता है जो कि माइनर्स को दिया जाता है, अभी उस रिवॉर्ड को हाफ किया जाएगा। तो ऐसा इवेंट जब भी किसी भी कॉइन का आता है या फिर किसी भी नेटवर्क का आता है जिसके ऊपर माइनिंग करी जाती है, तो उसमें हमेशा हमें अच्छी रैली देखने को मिलती है। तो यही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लाइट कॉइन में भी एक अच्छा प्रॉफिट हमें मिलेगा, क्योंकि लाइट कॉइन की जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 50% से भी ज़्यादा ऊपर पहुंची है पिछले कुछ दिनों के अंदर, और इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, अभी चल रहा है लगभग $628 मिलियन का। तो लगातार इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मार्केट कैप भी बढ़ रहा है। इसकी जो मार्केट कैप के हिसाब से पोजीशन है वो 11 चल रही है, यानी कि टॉप 10 में आने में इसको कोई ज़्यादा देरी नहीं लगने वाली, बहुत ही जल्द टॉप 10 में होगा, क्योंकि लाइट कॉइन का और इसी के साथ ट्रॉन का जो मार्केट कैप है वो लगभग $7 बिलियन के आसपास ही है, बहुत ही सिमिलर है, क्लोज है। तो बहुत जल्द ये 10th पोजीशन अचीव करेगा और इससे और भी ज़्यादा हाई बनने वाली है, जिससे आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा लाइट कॉइन से ही। तो थोड़ा सा और टेक्निकल एक चीज़ आपको बता दूँ कि अभी जो रिवॉर्ड होगा पर ब्लॉक का, पहले था 12.5 लाइट कॉइन्स, अभी हो जाएगा 6.25 लाइट कॉइन्स, यानी कि रिवॉर्ड्स को हाफ कर दिया जाएगा। लेकिन आपने इस चीज़ का फ़ायदा लेना है, बाय द र्यूमर सेल द न्यूज़। अभी आप यहाँ सामने देख सकते हैं, अगर आप खुद वेबसाइट भी खोलते हो लाइट कॉइन की तो आपको दिखेगा 2 दिन 2 घंटे इतना वक्त बचा है, यानी कि 2 दिन में आपको ये इवेंट मिल जाएगा। इवेंट शुरू होने से पहले या फिर इवेंट आने से पहले पहले आपने ये प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो ये था हमारा दूसरा कॉइन। तीसरे कॉइन की अगर हम बात करें तो तीसरा कॉइन है रिपल। तो बहुत लंबे समय से आपको भी पता है कि रिपल का जो केस है वो लगातार चलता आ रहा था और रिपल को एक सही डायरेक्शन नहीं मिल रही थी, और जो SEC है वो हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ था रिपल के। तो ये लगभग 2020-21 की बात है जब से रिपल इस चीज़ से गुजर रहा था, और अभी इसके प्राइस में बहुत इंक्रीज आ चुका है, लगभग 70 सेंट के आसपास चल रहा है। तो $1 क्रॉस होने में कोई बहुत ज़्यादा देर नहीं लगने वाली, तो XRP को आप बाय करके रखें, क्योंकि अभी अगर जो वेट है तो वो वेट सिर्फ इसी चीज़ की है कि जैसे BTC $30,000 से ऊपर एक लंबी रैली लेगा तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा लगभग सभी ऑल्ट कॉइन्स में। तो रिपल अपना लगभग 90 सेंट तक पहुंचा था, तो अभी जैसे $1 को टेस्ट करने की कोशिश करेगा जो कि एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है, वो क्रॉस होते ही इसमें और भी ज़्यादा इंक्रीज हमें देखने को मिल सकता है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा रिपल से। अब हम चौथे कॉइन की बात करें
तो इस क्वाइन का जो इवेंट है वो भी बहुत ही बड़ा इवेंट है। आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताया था कि शिबा इनू का अभी शिबेरी माने जा रहे हैं, पब्लिकली इन्होंने टेस्टनेट ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है और इसी के साथ इन्होंने अनाउंस किया कि अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर ये फाइनल लॉन्च भी करने जा रहे हैं। तो बहुत ही लिमिटेड सा टाइम बचा है, शिबा इनू में आप बाइंग करके रखें, आपके पोर्टफोलियो में पड़ा है तो आपको डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट देने वाला है क्योंकि शिप बेस्ड लेयर टू चेन आने वाला है शिबेरियम के नाम से। तो शिबेरियम की हाइप इतनी ज़्यादा मार्केट में शायद इतनी किसी और कॉइन की, किसी और प्रोजेक्ट के इवेंट की भी नहीं है जितनी शिबेरियम की हाइप है, क्योंकि इसकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है और जैसे ही इसकी न्यूज़ आती है हमेशा हमें शिबा इनू कुछ ना कुछ अच्छा प्रॉफिट देकर जाता ही जाता है। अब फिफ्थ कॉइन वैसे तो मैं कोई और देख रहा था, लेकिन मुझे पता है जब भी शिबा की बात आती है उसी के साथ साथ एक कॉइन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देता है, वो है बोन, यानी कि शिबा इनू के इकोसिस्टम का कॉइन है बोन के नाम से, और ये कॉइन हमेशा एक लंबी रैली देता ही देता है, एक अच्छा प्रॉफिट देकर ही जाता है। और इसका जो ऑल टाइम हाई है पिछले एक साल का वो $2.2 तक था और अभी ये $1.5 भी क्रॉस नहीं किया है। तो जैसे ही शिबेरियम आएगा सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमें शिबा इनू के साथ साथ बोन कॉइन के ऊपर देखने को मिलेगा। तो बोन कॉइन को बाय करके रखें क्योंकि मेरे हिसाब से इसकी कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं कि ये अनफोर्डेबल है, इसको बाय करें, इसमें आपको 4x 5x तक का भी प्रॉफिट बहुत ही आसानी से मिल सकता है। तो ये थे हमारे 5 कॉइंस जो कि अगस्त 2023 के लिए मैंने चूज़ किए। इसके अलावा भी कुछ मैं अपडेट्स डालता रहता हूँ हमारे टेलीग्राम के ऊपर, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च करके या फिर जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उसके ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें और हमेशा प्रॉफिट्स में ही रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ जो अभी ऑर्डकॉइंस ढूंढ रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि अभी एक तरीके से नया दौर शुरू हो रहा है क्रिप्टो करेंसीज का। और मैंने आपको ये चैनल दिया वेब थ्री बुल जो कि इंडिया के नाम से है, वेब थ्री बुल इंडिया, यानी कि इसके ऊपर आपको सारी अपडेट्स हिंदी में मिलने वाली हैं और सबसे पहले मिलने वाली हैं। हमेशा मैं आप तक पहले अपडेट्स पहुँचाने की कोशिश करूँगा, जैसे लास्ट टाइम आपको शिवेरियम का बताया, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो क्रिप्टो लॉ को लेकर स्टेटमेंट आई थी वो बताया, AI बेस्ड कॉइन्स के बारे में बताया, आपने कैसे बाय करना है, कैसे चूज़ करना है, तो ये सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करते रहना एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन हमेशा पहुँचते रहें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।